हो जाता है। तो व्हाट बाय नाउ, जो आप लोगों ने भी जाहिर है उस क्लासिफिकेशन को देखा ही होगा, व्हाट डू यू फील बाय दैट क्लासिफिकेशन? आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें, ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग क्या है? कोई वॉलंटियर जो मुझे बता दे कि इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका क्या था और इसमें ओवरऑल जो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? ये क्लासिफिकेशन रिवाइज क्यों होती हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वाइसराम मैडम, इसमें जैसे कि एंडोमेट्रियल्स के दो टाइप्स थे हिस्टोलॉजिकली। एक तो टाइप वन जिसमें एंडोमेट्रोइड था और टाइप टू में क्लियर थे, जो कि बहुत एग्रेसिव आते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन जो स्टेजिंग में, अब इसकी जो टाइप टू है उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। और उसमें उनको डिवाइड की, जो टाइप वन है उनको ग्रेड वन और ग्रेड टू में करके वो लो ग्रेड किया हुआ है, और जबकि जो ग्रेड थ्री है उसको हाई रिस्क करके, ताकि उनमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी हम प्लान कर सके। लेकिन मैडम थोड़ी, हाँ जी 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 लेकिन बेटा बताइए। जी जी मैडम, और जो पहले जस्ट क्लासिफिकेशन थी कि वन ए वन स्टेज वन को डिवाइड किया था वन ए और वन बी में, कि लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम लेस देन और अब मोर देन, और उसमें फर्दर भी जो है क्या कहते क्लासिफाई किया हुआ था, एग्रेसिव है, नॉन एग्रेसिव, एग्रेसिव लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम है या फिर पॉलिप अगर आता है तो उसमें है। तो मैडम इसमें इंक्लूड करने का ये है कि इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट भी शायद हमारी डिफरेंट हो जाए। शायद नहीं यकीनन इसमें बेसिकली जो मेन मैडम अननेसेसरी इंटरवेंशन ना हो, ज्यादा अग्रेसिवली ट्रीट ना करें। इसमें बेसिकली फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी रिमेन्स द बेसिक मैनेजमेंट स्टेप सारी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में, अगर वो रिसेक्टेबल हो और अगर और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो। लेकिन उसके बाद क्या करना है, या सर्जरी से पहले कुछ करने की जरूरत है, सर्जरी के बाद हमने क्या करना है या क्या नहीं करना, उसमें उसके जो स्टेजिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है क्या नहीं करनी, ये सब चीजें हैं जिनको एक प्रिसाइज तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें उसको एग्जैक्टली क्लासीफाई करना होता है ट्यूमर को। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि इससे पहले हम ओवरऑल एंडोमेट्रियल सीए को लेते थे, उसमें हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स शामिल नहीं थी, लेकिन अब जब हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स शामिल कर दी गई हैं तो उससे ये हमारा ये आसान हो, क्योंकि जो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स में जो एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव वो सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से लिम्फ नोड मेटास्टेसिस भी होते हैं, उसके हिसाब से फिर हमारी एडजुवेंट थेरेपी भी होती है या न्यू एडजुवेंट थेरेपी होती है, या उस एडजुवेंट थेरेपी में कौन कौन सी चीजें शामिल, हमें किस ट्यूमर को किस तरीके से करना है, वो सारा कुछ हमें उससे स्पेसिफिकली पता चल जाएगा। सो इसको हम थोड़ा सा स्लाइडों के साथ भी समझ लेते हैं, ज्यादा इसमें आसान होगा। सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मैं जरा समझना चाह रही थी कि आप लोगों ने उससे क्या मैसेज लिया, तो इसको मैं जरा शेयर करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा, फिर हम उसके साथ शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन नहीं हो जाएगा? इसको थोड़ा सा एक तरफ करते हैं, फिर इसको खोलना होगा। अच्छा, तो इसका जो बेसिकली होता ये था कि बावजूद इसके कि ये 2009 में फिको की क्लासिफिकेशन थी, उसके बाद और कई ऑर्गेनाइजेशंस की क्लासिफिकेशंस आईं, यूके, यूरोपियन, डब्ल्यूएचओ ने 2020 में जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी उसमें भी नई हिस्टोलॉजिकल टाइप्स कुछ शामिल की गई थी। तो उन सब का मकसद ये था कि इसको हम स्पेसिफाई करें, इंडिविजुअलाइज करें और स्पेसिफाई करें ट्रीटमेंट को, क्योंकि पहले तो हम ओवरऑल एंडोमेट्रियल सीए को एंडोमेट्रियल सीए के तौर पे लेते हुए विदाउट सब डिवाइडिंग देम इनटू डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल टाइप्स,
तो उसमें उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते थे कि इस 1A में अगर लेस देन 50% इन्वेजन है तो इसमें हमें थेरेपी देने की ज़रूरत है, नहीं है। और ज़्यादातर जो एडजुवेंट थेरेपी थी वो रेडियोथेरेपी, जो ब्रेकी एंड एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है दोनों, और इसके अलावा फिर कीमोथेरेपी भी होती थी। बट नाउ द न्यू ट्रीटमेंट्स हैज इमर्ज जिनका जो साइड इफेक्ट्स या जो जिनका जो जिनके साथ जो डिजीज इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है। तो इसमें इस यही वजह है कि चूंकि हमने इसको डिफरेंट उस क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल सब टाइप शामिल नहीं की थी, तो इस वजह से उसमें उसका नतीजा कुछ इतना बहुत अच्छा निकलता नहीं था। क्योंकि उसमें भी बावजूद इसके कि हम एडजुवेंट थेरेपी देते थे पोस्ट ऑफ रेडियो कीमो एवरीथिंग, लेकिन फिर भी बाज दफा डिजीज प्रोग्रेशन वॉज क्वाइट एट अ फास्ट पेस। तो उसमें जब इस तरह से कोई हमें डिजायर्ड आउटकम ना मिले तो वी फाइंड आउट द पैथोलॉजीज या उसमें रीजंस क्या हैं या व्हाट आर द हर्डल्स बेसिकली। तो उसमें जो क्योंकि हम इसको ओवरऑल जो डिवाइड करते हैं टाइप वन और टाइप टू में डेफिनेटली इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्नोसिस। तो यही वजह है कि 2020 में नई हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स शामिल की गई। और जो मॉलिकुलर, कभी अगर आपने बहुत अच्छी जगह की अगर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स देखी हो तो उसमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बज़ाहर समझ नहीं आती, बट दैट इज़ बेसिकली द मॉलिकुलर टाइपिंग। हम उसका जेनेटिक एनालिसिस करके उसकी डिफरेंट जो मॉलिकुलर टाइप्स हैं उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, दैट इज़ फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ द डिफरेंट ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी मजीद रिफाइनमेंट है। अगरचे अभी इस वक्त की जो 2023 की जो क्लासिफिकेशन है उसमें मॉलिकुलर टाइपिंग हैज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड एज सच, लेकिन उसको अगर हम मर्ज कर दें उसमें उसकी जो बाकी डिस्क्रिप्शन है उसमें मॉलिकुलर टाइपिंग का डेफिनेटली जिक्र आता है कि अगर ये इस टाइप की होगी तो ज्यादा एग्रेसिव है, इसमें लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन ज्यादा भर जाती है, इसको हमने एडजुवेंट थेरेपी ये चीजें हम दे सकते हैं। एंड द रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी हैज बीन इमर्जिंग नाउअडेज, उसका काफी ज्यादा भी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है और जो उसमें टारगेटेड थेरेपी कहलाती है। क्योंकि कीमोथेरेपी तो है एक साइटोटॉक्सिक थेरेपी, लेकिन जो जो टारगेटेड थेरेपी हैं वो बेसिकली टैक्सिक थेरेपी कहलाती है। तो ये हैं जो बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो उसमें आती हैं। तो मकसद उसका यही है कि हम उसको ट्रीट कैसे करें, और हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स के हिसाब से मेनली तो वही है हिस्टोलॉजिकल सब टाइप, लेकिन अगर उसके साथ हम मॉलिक्यूलर सब टाइप्स को भी मर्ज कर दें तो नतीजा और भी अच्छा निकलता है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल उसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है इसमें जो बेसिकली जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो हैं वो इसमें एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर है। एक तो टाइप वन टाइप टू में जो डिफरेंट जो क्लिनिकल फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें एज है, बॉडी मास इंडेक्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, फिर उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, या उसमें बाज दफ़ा जो एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे लिंच सिंड्रोम है, या ब्रेका वन ब्रेका टू का तो इतना रोल नहीं होता लेकिन लिंच सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें तकरीबन 50-60% चांसेस हैं एंडोमेट्रियल सीए के आगे कैरी ऑन होने के। और ये सबसे ज्यादा कॉमन जो मेलिग्नेंट पोटेंशियल वाला सिंड्रोम है ये यही है। तो ये तो हैं जो क्लिनिकल इसके मार्कर्स हैं, क्लिनिकल मार्कर्स हैं, जिसमें खास तौर पे बीएमआई और कोमॉर्बिडिटी में ज्यादा हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, जिसको हम कॉर्पस कैटसन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके अलावा जो ब्लड बेस्ड मार्कर्स हैं उसमें आरएनए, डीएनए, इम्यून सेल्स, इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर, ये बहुत सारे हैं जो इवन जो कि अगेन मॉलिकुलर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। जो मॉलिकुलर के जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं वो जो जेनेटिक जीन्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट जीन और एंजाइम डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट, जैसे अगर हम इसी को करें मिसमैच रिपेयर डेफिशियंट, तो ये वो वाला जीन है जो बेसिकली सेल के रिपेयर में काम आता है, जो कि डीएनए रिपेयर का काम करता है। और अगर ये डेफिशिएंट हो जाता है तो वो डीएनए रिपेयर का काम नहीं होता एंड द सेल कैन
adopt an abnormal growth pattern. तो ये एक सिंपल सा एक मैं आपको समझा रही हूँ, वरना इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें अपेरेंटली समझ नहीं आती, लेकिन ये बिल्कुल माइक्रो मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे ये चीजें सॉर्ट आउट की जाती हैं. एंड द हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स, जिसमें वही टाइप वन और टाइप टू के हिसाब से हम करते हैं, एक तो वो चीज़ है जो कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या है. बट द डिफरेंट अदर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जिसमें मायोमेट्रियल इन्वेजन कितनी है, लिम्फोवैस्कुलर स्पेस है, उसका ग्रेड क्या है, और जाहिर है इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फिर बेस करती है स्टेजिंग भी, क्योंकि स्टेजिंग इसमें सर्जिकल प्लस हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स, ये सारी चीज़ों पे हम स्टेज उसको करेंगे. तो ये हैं जो कि इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं. तो ओल्ड स्टेजिंग को सबसे पहले हमें रिव्यू करना चाहिए कि ओल्ड स्टेजिंग को अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टेज वन इज लिमिटेड टू यूट्रस. एक वो है जिसमें मायोमेट्रियल इन्वेजन कोई नहीं है, फिर लेस देन 50% है, या फिर मोर देन 50% है. और स्टेज टू में सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड रहती है. और स्टेज थ्री में सिंपली ए बी सी में है, जिसमें एडनेक्सा है, इन्वॉल्व है या नहीं है. और फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में वजाइना की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और तीसरी स्टेज पे लिम्फेटिक्स इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. अब जो नई क्लासिफिकेशन है, इनको मजीद सब डिवाइड किया गया है ताकि उसकी स्टेजिंग को मजीद रिफाइन किया जा सके. एंड स्टेज फोर तो आपको पता है कि लोकल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस आ जाते हैं. तो ये ओल्ड स्टेज की थोड़ी सी जरा फाइन बेसिकली मजीद है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया. अब टू में भी हमने देख लिया, थ्री में, थ्री ए में सिरोजल एडनेक्सल इन्वॉल्वमेंट है, और थ्री बी में विजाइनल या पैरामीटियल इन्वॉल्वमेंट है, और थ्री सी में पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है. अब पिछली उसमें जो स्टेज थ्री है उसको सी वन और सी टू में है पेल्विक और पैरायोटिक. वन में पेल्विक लिम्फ नोड्स और टू में पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, और फोर में, फोर ए में ब्लैडर और बावल, और फोर बी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस. अब इसकी जो है वो आगे से हम मजीद नई वाली क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो इसमें टाइप वन और टाइप टू में अगर हम करें तो टाइप वन ओवरऑल हैज अ बेटर प्रोग्नोसिस, और इसमें ज्यादातर जो है वो एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर्स आ जाते हैं जो कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं. इस वजह से जो भी कोई कोमॉर्बिडिटी जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा बन रही होती है वो इसके साथ रिलेटेड होती है, लाइक इन हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज भी. तो ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं, इजी टू ट्रीट, और इनका एक अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, और उनके साथ ही मॉलिकुलर सब टाइपिंग एग्रेसिव टाइप की नहीं होती, जबकि इससे बिल्कुल. और ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड होती है. वाइल दिस इज एसोसिएटेड विद एट्रोफिक एंडोमेट्रियम मोस्टली, ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट नहीं होती. इसमें हार्मोन रिसेप्टर्स भी नेगेटिव होते हैं, इसका ग्रेड भी हाई होता है, और इसमें ज्यादातर जो जेनेटिक एबरेशंस हैं वो इसमें ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है. और इसमें जो यही जो आगे हम चल के इनकी मॉलिकुलर सब टाइपिंग्स पे बात करेंगे, तो इसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है वो पोर होता है. तो पर्पज इसका यही था कि हम इसमें बेहतर अप्रोप्रिएट सर्जिकल रेडिएशन और सिस्टेमिक थेरेपीज पे बात करें, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो सर्जिकल रेडिएशन और कीमोथेरेपी से बढ़ के भी जो आगे मजीद जो न्यू मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हैं दैट हैव कम इन टू द पिक्चर. तो जो नई क्लासिफिकेशन है इसमें स्टेज वन को अगर हम देखें आफ्टर रिकॉलिंग द प्रीवियस वन, तो स्टेज वन ए जो है दिस इज डिजीज, ये ओवरऑल स्टेज वन है. इसकी आगे से हम सब डिवीजन को देख लेते हैं. तो स्टेज वन ए है डिजीज लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम और नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप, लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड विद इन्वेजन ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम विद नो और फोकल लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट और गुड प्रोग्नोस्टिक प्रोग्नोसिस डिजीज. इसी को जब हम 1A1 में करते हैं, अब ये 1A से लेके 1B तक सारी नॉन एग्रेसिव टाइप है, यानी एंडोमेट्रॉइड टाइप. तो 1A1 में नॉन एग्रेसिव है, और इसमें दिस इज लिमिटेड टू एंडोमेट्रियल पॉलिप या सिर्फ एंडोमेट्रियम तक कन्फाइंड है, यानी इसमें मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेस देन 50% भी नहीं है. 1A2 में नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप,
इन्वॉल्विंग लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम विद नो और फोकल लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन. तो पहले ये 1A1 उस क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं थी, ये जिसमें के सिर्फ एंडोमेट्रियल पॉलिप तक रहे या फिर सिर्फ एंडोमेट्रियम तक रहे, यानी उसमें कोई मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट ना हो. तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा अपने पेशेंट्स में भी कि उसमें कोई मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन वो उस पिक्चर में आती नहीं थी और इसलिए जो है अब ये उसमें है. अब 1A3 जो है वो लो ग्रेड वही एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा यानी नॉन एग्रेसिव है और लिमिटेड टू द यूट्रस एंड द ओवरी. अब 1B जो है वो अगेन नॉन एग्रेसिव है विद इन्वेजन ऑफ हाफ और मोर ऑफ द मायोमेट्रियम एंड विद नो और फोकल लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन. अब ये जो है ना 1A3, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये शायद फालतू इसमें डाली है, लेकिन इसमें ये 1A3 वो है जिसमें लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा है और ये लिमिटेड टू द यूट्रस तो है, ये भी लिमिटेड टू द यूट्रस है, ये नीचे वाला भी लिमिटेड टू द यूट्रस है. लेकिन ओवरी की इन्वॉल्वमेंट, यू मस्ट बी सरप्राइज के ओवरी की इन्वॉल्वमेंट में हम इसको कैसे 1A3 कह सकते हैं. तो बेसिकली ये जो है ये अगर हम देखें तो ये तकरीबन स्टेज 2 में फिर चला जाता है, लेकिन एक्चुअली बाय दिस 1A3 इज मेंट के ये यूनिलैटरल ओवरी है. अगर सिर्फ एक साइड की ओवरी इन्वॉल्व हो और वो लो ग्रेड नॉन एग्रेसिव एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा हो और सिर्फ यूनिलैटरल ओवरी है तो इट विल बी क्लासिफाइड एज 1A3. और अगर दोनों साइड्स की ओवरी इन्वॉल्व हैं तो क्लास उसकी जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो अपग्रेड हो जाएगी. तो ये यूनिलैटरल से इसकी मुराद है. अब जो नई स्टेज इसमें डाली हुई है दैट इज 1C. दिस इज एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप. एग्रेसिव में वो सारी आती हैं जो टाइप 2 वाली हैं, यानी सीरस और कार्सिनोसार्कोमा है, सीरस है, क्लियर सेल कार्सिनोमास हैं, ये सारे एग्रेसिव टाइप में आ जाते हैं. लिमिटेड टू अ पॉलिप और कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम, यानी है तो एग्रेसिव टाइप लेकिन इसकी ये सिर्फ लिमिटेड है टू द एंडोमेट्रियम एंड द पॉलिप. तो इस वजह से ये 1C में आ गया. अगर ये इससे बियॉन्ड चला जाए तो डेफिनेटली क्लास अप स्टेज हो जाएगी. तो ये इसकी नई स्टेज है. तो मेजर चेंज इसमें क्या हुआ, न्यू स्टेज 1C. इसमें नई जो स्टेज है वो 1C एडिट है. बाकी हमने जो 2-3 चेंजेस थी उनको हमने साथ के साथ डिस्कस कर लिया. इसमें एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप डाल दी है जो कि आप लोगों को भी नॉलेज है कि इसमें जो है वो ये नई एडिशन है इसमें. और इसमें मायोमेट्रियल इन्वेजन नहीं है, ये भी आप याद रखें. अब इसमें अगर हम पहले पे जाएं तो स्टेज 1B तक मोर देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियल इन्वॉल्व थी, लेकिन एग्रेसिव जो टाइप्स होती हैं वो उनमें चूंकि लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन ज़्यादा हो जाती है इस वजह से वो इवन लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम, यानी कोई मायोमेट्रियल इन्वेजन नहीं है, बट स्टिल इट विल बी क्लासिफाइड एज स्टेज 1C, नॉट एज स्टेज 1A1 या 2. उसमें हमने इसको क्लासिफाई नहीं किया बीइंग इट्स ऑफ एग्रेसिव नेचर. तो इसमें अगर हम ये इसको ये देखें तो फिर तो इसको स्टेज 1A1 में होना चाहिए था, जो कि एंडोमेट्रियल पॉलिप और कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हमने स्टेज 1C में किया. तो क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि ये एग्रेसिव इन नेचर है. अब ये जो एग्रेसिव इन नेचर वाले जो एंडोमेट्रियल सीए होते हैं उनमें अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन दैट इज मोर देन 40% ऑफ द हाई ग्रेड एंड एग्रेसिव ट्यूमर्स, सीरस, क्लियर सेल और कार्सिनोसार्कोमास, इवन इफ लिमिटेड टू अ पॉलिप और एंडोमेट्रियम, हैव ऑकर्ड लिम्फ नोड एंड और पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट when appropriately staged and hence are actually stage 3 disease. तो अगर इसमें इसका मतलब ये है कि जब हम इसके इसमें aggressive histological type जब आ जाती है तो इसमें फिर हमें lymph node staging भी करनी पड़ती है. और अगर lymph node staging के साथ साथ, और ये जो aggressive type है ये अमूमन हम biopsy पे determine करते हैं, biopsy पे हमें पता चल जाता है कि इस टाइप का कार्सिनोमा है, तो उसमें फिर एंडोमेट्रियल उसमें जरूरी हो, सॉरी ये लिम्फ नोड बायोप्सी जरूरी हो जाती है
जो अमूमन हम सेंटिनल लिम्फ नोड्स की बायोप्सी से काम पूरा कर लेते हैं। एंड इफ पॉजिटिव तो यही जो स्टेज वन सी जो लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम थी ये अपग्रेड हो जाएगी, अप स्टेज हो जाएगी, तो ये फिर स्टेज थ्री में चली जाएगी। सो विद अग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप यू हैव टू गो फॉर पेरिटोनियल बायोप्सी एंड विद द सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ताकि हम देखें कि इनमें 40% तक का वो उसमें है या नहीं है। तो इसलिए इसमें इसको हमें फिर ये चीजें कंबाइन करनी पड़ती हैं। अदरवाइज फॉर स्टेज वन ए वन एंड फॉर स्टेज वन बी वी डोंट नीड टू हैव लिम्फ नोड स्टेजिंग, क्योंकि इनमें जो रिस्क ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है वो दैट इज 1.4% 1.8% इससे ज्यादा नहीं होता। बट विद द एग्रेसिव टाइप द पिक्चर चेंज ऑल टुगेदर, तो इस वजह से फिर इसको हमें उसके साथ करना पड़ता है। अब नाउ कमिंग टू द स्टेज टू ऑफ न्यू क्लासिफिकेशन, स्टेज टू में ओवरऑल इन्वेजन ऑफ सर्वाइकल स्ट्रोमा है विद एक्स्ट्रा यूटराइन एक्सटेंशन। सर्वाइकल स्ट्रोमा का मतलब है अब ये यूट्रस से हट के बाहर चला गया, और विद सब्सटेंशियल लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन और एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स विद मायोमेट्रियल इन्वेजन। यानी पहले वन सी थी एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप विदाउट मायोमेट्रियल इन्वेजन, लेकिन अगर मायोमेट्रियल इन्वेजन आ जाएगी, हालांकि वन ए और वन बी में मायोमेट्रियल इन्वेजन थी और सिर्फ सी में हमने नहीं डाली, लेकिन अगर इसमें मायोमेट्रियल इन्वेजन आ जाती है तो दैट विल बी स्टेज टू नाउ, चाहे वो अभी सिर्फ लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम में क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ उसके एग्रेसिव इन नेचर होने की वजह से उसको अप स्टेज कर दिया गया। तो इससे डेफिनेटली ये एक बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडेबल चीज है कि इससे फिर हमें अपनी ट्रीटमेंट को डिफाइन करने में, डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, एंड सो एज टू गेट अ बेटर आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इसमें अब स्टेज टू में, टू ए में है इन्वेजन ऑफ द सर्वाइकल स्ट्रोमा ऑफ नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप। इसमें सर्वाइकल ग्लैंड्स नहीं आते, इसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा आता है, नॉट द ग्लैंड्स। और इसमें जो है ये नॉन, इसमें अगेन नॉन एग्रेसिव टाइप की होगी। अब ये जो टू ए या वन ए या टू बी और वन बी, इनमें नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स ही हैं, तो इसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा। अब जो टू बी है उसमें लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन सब्सटेंशियल एक होता है, जो कि मतलब इसमें बेसिकली नंबर ऑफ वेसल्स के हिसाब से होता है कि सब्सटेंशियल हम कितनों को कहते हैं। ये भी नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप है, लेकिन इसमें लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन आ जाती है तो वो टू बी कहलाएगी। अब जो यानी अगर इसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन अगर सब्सटेंशियल लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन आ गई तो ये क्लियरली टू बी में आ जाएगी, इवन इफ नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। स्टेज थ्री सी में जो नई स्टेज है वो एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप विद एनी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, इवन इफ लेस देन 50% ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। तो ये सीधा सीधा स्टेज वन बी से टू सी में चली जाए। अब हम आते हैं स्टेज थ्री की तरफ। स्टेज थ्री जो है वो लोकल और रीजनल स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर ऑफ एनी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप। तो इसमें टू थ्री ए में है इन्वेजन ऑफ द यूट्राइन सिरोजा एट नेक्सा, या इसमें मेटास्टेसिस हैं, या दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जो थ्री ए वन है उसमें स्प्रेड टू द ओवरी और फेलोपियन ट्यूब्स, यानी अब इसमें बायोलेटरल आ जाएंगे, क्योंकि जो हम वन ए थ्री की जो बात कर रहे थे वो था स्प्रेड टू द ओवरी या यूट्रस, लिमिटेड टू द यूट्रस एंड ओवरी वन ए थ्री, और जिसमें हमें हैरानी हुई थी कि आखिर ओवरी के साथ क्यों वन ए है, तो उसमें यूनिलैटरल ओवरी थी, इसमें बायोलेटरल ओवरीज होंगी। तो ये अगर क्राइटेरिया पूरा करती है तो ये फिर स्टेज थ्री ए वन है। फिर थ्री ए टू है इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्राइन सब सिरोजा और स्प्रेड थ्रू द यूट्राइन सिरोजा इन नॉन एंडोमेट्रॉयड एंड हाई ग्रेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यानी है तो नॉन एग्रेसिव लेकिन अब इसका ग्रेड बढ़ गया, ग्रेड वन यानी ग्रेड थ्री तक ही चला गया।
और ग्रेड थ्री ट्यूमर के साथ ये यूट्राइन सिरोजा सब सिरोजा में स्प्रेड हो गया, दैट इज स्टेज ए टू। अब स्टेज थ्री भी जो है ये इसमें मेटास्टेसिस हैं, यानी वो ज़ाहिर है हेमेटोजेनिक स्प्रेड जो होता है तो वो मेटास्टेसिस होता है, या डायरेक्ट स्प्रेड टू द वजाइना एंड और टू द पैरामीट्रियम और पेल्विक पेरिटोनियम। पैरामीट्रियम यूट्रस के दाएं बाएं या वजाइना की तरफ अपर पार्ट ऑफ द वजाइना जिसमें आ जाता है, और पेल्विक पेरिटोनियम। अब ये जो पेल्विक पेरिटोनियम की हद तक है वो स्टेज थ्री बी में आएगा, जो कि स्टेज थ्री बी टू एक्चुअली बनती है। अब पेल्विक पेरिटोनियम हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इससे नीचे नीचे वाली जितनी पेरिटोनियम है वो पेल्विक पेरिटोनियम कहलाएगी। तो स्टेज थ्री बी वन विल बी मेटास्टेसिस और डायरेक्ट स्प्रेड टू द वजाइना एंड और टू द पैरामीट्रियम, यानी कि वजाइना और पैरामीट्रियम तक रहेगा, और स्टेज थ्री बी टू में मेटास्टेसिस टू द पेल्विक पेरिटोनियम। ठीक है, अब स्टेज थ्री सी में मेटास्टेसिस टू द पेल्विक और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स और बोथ। अब इनकी आगे से जो है वो स्टेज थ्री सी वन का भी आगे से वन टू है, स्टेज वन का आगे से वन, इसमें ये मैंने जरा थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया, ये बेसिकली वन है, दिस इज नॉट टू, एंड दिस इज स्टेज थ्री सी वन, आगे इसमें रोमन लेटर्स में टू। तो ये थोड़ा सा करेक्ट, आप ये इसको करेक्टली अंडरस्टैंड कर लें। तो स्टेज थ्री सी वन में मेटास्टेसिस टू द पेल्विक लिम्फ नोड्स। अब पेल्विक लिम्फ नोड जो है वो स्टेज थ्री सी वन आएगा, और स्टेज थ्री सी टू में है मेटास्टेसिस टू द पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। अब ये जो पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, अब आगे से इसके साइज के मुताबिक इनको स्टेज थ्री सी वन वन आएगा, रोमन में वन, ये माइक्रो मेटास्टेसिस होंगे जो लेस देन टू मिलीमीटर है, और स्टेज थ्री सी वन टू रोमन में टू मैक्रो मेटास्टेसिस हैं जो कि मोर देन टू मिलीमीटर इन साइज है। तो ये लेस देन टू, यानी उनके साइज के हिसाब से, और डेफिनेटली साइज के हिसाब से उसकी उसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। तो ये इसमें इसका साइज जो है वो माइक्रो और मैक्रो मेटास्टेसिस। तो स्टेज थ्री सी को फर्दर हमने, सी वन को हमने फर्दर सब डिवाइड किया इन अनदर टू सब स्टेजेस। तो स्टेज थ्री सी हुई पहले वन और टू में डिवाइड, फिर वन और टू फर्दर सब डिवाइड हुई अगली मजीद दो स्टेजेस में, और ये जो फर्दर सब डिवीजन है वो उनके साइज के हिसाब से होगी। तो स्टेज थ्री सी ओवरऑल रिलेट्स विद द मेटास्टेसिस टू द लिम्फ नोड्स, एंड दैट इज पेल्विक एंड द पैरा एओर्टिक, सी वन टू द पेल्विक, एंड अकॉर्डिंग टू द साइज इधर माइक्रो मेटास्टेसिस लेस देन टू मिलीमीटर और मैक्रो मेटास्टेसिस मोर देन टू मिलीमीटर। And in stage 3C2, metastasis to the para-aortic lymph nodes, और इसमें जो बड़ी important चीज़ add की हुई है वो है up to the renal vessels. Renal vessels के level तक जो है वो इसमें stage 3C2 में आएगा, और अगर renal vessel से ऊपर चला जाए तो ये stage 4 में चला जाता। तो ये renal vessels का जो एक anatomical landmark इन्होंने add किया है इस नई classification में, वो भी उसके मेटास्टेसिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। तो इसमें अब इसमें पेल्विक लिम्फ नोड्स तक उसका जाना जरूरी नहीं है, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट स्टेज थ्री सी टू का। सो अगेन सब डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस एंड मोर लेस देन टू मिलीमीटर और मोर देन टू मिलीमीटर। इज इट क्लियर सो फार? क्योंकि ये स्टेज थ्री जो है ना ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टेज है, इसमें बहुत सारी सब डिविजन्स है और ये इस तरह से याद रहती भी नहीं है, इनको तो बाय हार्ट ही याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आपको उसका बेसिकली इंटरप्रिटेशन या ऑब्जेक्टिव या एक ओवरऑल उसका समझ आ जाए तो फिर इसमें इतना मुश्किल रहता नहीं। तो स्टेज थ्री चेंजेस में क्या हुआ, एडनेक्सल इन्फिल्ट्रेशन है जो कि स्टेज थ्री ए वन है, स्टेज थ्री ए वन, एंड यूट्राइन सिरोजा इन्फिल्ट्रेशन जो स्टेज थ्री ए टू है इन हाई ग्रेड एंड नॉन एंडोमेट्रियल, यानी ये दोनों में, इसमें हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स में उस तरह से हमने वो सब डिवाइड नहीं किया हुआ, क्योंकि अब ये नाउ इट इज बियॉन्ड, इट्स गोइंग बियॉन्ड द यूट्राइन इन्वॉल्वमेंट।
स्टेज थ्री बी टू में इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेल्विक पेरिटोनियम है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, आगे से फिर उसका जो है वो सब डिवीजन है। अब प्रीवियसली ये स्टेज फोर में शामिल था, पेल्विक पेरिटोनियम है या जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम है, ये प्रीवियसली स्टेज फोर में शामिल था, लेकिन अब इसको जो है स्टेज थ्री बी टू में शामिल कर दिया गया। स्टेज थ्री बी टू को अब दोबारा से वो कर लें, ठीक है। तो ये है जो कि पेल्विक पेरिटोनियम है, जिसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क मैंने आपको बता दिया था कि उस लाइन से अगर नीचे नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो पेल्विक पेरिटोनियम होगी। तो पहले ये स्टेज फोर में था और ये हमें बेसिकली अगेन ट्रीटमेंट डिसीजन में हेल्प करता। अब स्टेज थ्री सी, जिसका हमने बहुत ज्यादा आगे सब डिवीजन थी, माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस, अब इसमें जो मेटास्टेसिस हैं उनका भी एक साइज 2 मिलीमीटर और मोर देन 2 मिलीमीटर वाली तो हमने बात की, लेकिन कभी अगर आइसोलेटेड ट्यूमर सेल, जिनको हम आईटीसी भी कहते हैं, आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स अगर कभी इधर उधर नजर आ जाएं तो उनको हम नेगेटिवली कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स हों या माइक्रो एंड मैक्रो मेटास्टेसिस हों तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर जरूरत, इवन आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स के लिए भी ज़रूरत हो जाती है कि हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर लें। लो ग्रेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग एंडोमेट्रियम एंड ओवरी यूनिलैटरल आर नो लॉन्गर स्टेज थ्री, ये हमने पहले बात कर ली है कि पहले ये स्टेज थ्री में शामिल होता था, चाहे सिंगल ओवरी भी हो, बट नाउ स्टेज A1, A3 में, सो नो एडजुवेंट ट्रीटमेंट इज नीडेड, बशर्ते के इसमें एडनेक्सल इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी बायलैटरल ओवरीज होंगी तो हम इसको एडनेक्सल इन्वॉल्वमेंट कहेंगे। मोर देन 50% कुछ भी नहीं, टेस्ट करा देते हैं। तो माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो जो लो ग्रेड है उसमें जो हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड, कि हमने जो स्टेज 1A3 में देखा था कि इज लिमिट टू द यूट्रस और द ओवरी, और ओवरी वाली इन्वॉल्वमेंट हमेशा पहले स्टेज 3 में आती थी, लेकिन ये अब इसको हम स्टेज 1A3 में शामिल करते हैं, बशर्ते के सिर्फ एक ओवरी इन्वॉल्व हो, बशर्ते के 50% मायोमीटर इन्वॉल्वमेंट से कम हो एंड कैप्सूल इज नॉट ब्रीच्ड और बाकी कोई मेटास्टेसिस नहीं है। अगर ये वाली चीज हो जाए, अगेन आई विल रिपीट कि अगर यूट्रस और यूट्रस लिमिटेड टू द यूट्रस एंड ओवरी, ये स्टेज 1A3 में शामिल होगी, बशर्ते कि ये सारी चीजें आप रूल आउट कर लें जो मैंने मेंशन की। लेकिन अगर स्टेज अगर यूट्रस तक लिमिटेड है और 1 ओवरी इन्वॉल्व है, लेकिन ये सब कुछ है, यानी उसमें मोर देन 50% इन्वॉल्वमेंट भी है, कैप्सूल भी ब्रीच है या बाकी जो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस उसमें आ गए, तो फिर ये स्टेज 3 में आ जाए, ठीक है। उसमें बायलैटर अगर एक से दूसरी ओवरी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो सीधा स्टेज, चाहे बाकी चीजें ना भी हों, लेकिन बायलैटरल ओवरीज आ गई तो वो स्टेज 3 में आ जाएगा। तो ये भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंज है। अब स्टेज 4 जो है, दैट इज स्प्रेड टू द ब्लैडर म्यूकोजा एंड और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा या डिस्टेंट मेटास्टेसिस। इसमें स्टेज 4A में इन्वेजन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोजा, ये जैसे पहले की तरह से था। स्टेज 4B में एब्डोमिनल पेरिटोनियम मेटास्टेसिस बियॉन्ड द पेल्विस, यानी ये बियॉन्ड द पेल्विस है। अब इसमें जो पेल्विक पेरिटोनियम थी पहले, वो पहले स्टेज 4 में शामिल होती थी, लेकिन अब इसमें एब्डोमिनल पेरिटोनियम के मेटास्टेसिस है, तो उसमें पेल्विक पेरिटोनियम निकाल दी गई है। तो इसमें जो है वो वाली एक जो चेंज है वो हुई है। स्टेज 4C में डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, इंक्लूडिंग मेटास्टेसिस टू एनी एक्स्ट्रा और इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स अबव द रीनल वेसल, यानी रीनल वेसल के लेवल से अगर ऊपर वाले लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो जाएंगे तो ये स्टेज 4C में आ जाएगा, और इसमें लंग्स, लिवर, ब्रेन, बोन्स, ये सारी चीजें जो है वो स्टेज 4 में आ जाएगा। तो स्टेज 4 में व्हाट आर द चेंजेस, देयर इज एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सब स्टेज फॉर दोज प्रेजेंटिंग विद द एक्स्ट्रा पेल्विक पेरिटोनियल मेटास्टेसिस व्हिच इज नाउ क्लासिफाइड एज स्टेज 4B, ये स्टेज 4B, ठीक है, वरना पहले स्टेज 4A था और B था बस, लेकिन ये इसमें हमने ऐड कर दी। पहले स्टेज 4B जो था वो ये होता था, ये जो आखिर में स्टेज 4C है, लेकिन अब स्टेज 4B वो है
जिसमें से हमने पेल्विक पेरिटोनियम को निकाल दिया लेकिन अब एब्डोमिनल पेरिटोनियम है। तो ये जो है ये ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस टू द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड और इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड अबव द रीनल वेसल्स टू द लंग और इज नाउ स्टेज 4C, यानी अब ये रीनल वेसल के लेवल से अबव वाले जो है। अब जो ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन वाली चीजें हैं, इसको पोली भी कहते हैं, पोल भी कहते हैं, MMR है, नॉन स्पेसिफिक जो है वो उसके वो है प्रोफाइल है, जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है वो है, P53 है, ये सारी वो हैं जो स्टेज 1 और 2 को तो चेंज करती हैं, स्टेज 3 और 4 को चेंज नहीं करती। तो इनका भी थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं कि इसको जो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है, इज इट क्लियर विद एवरीवन? अब तक जो हमने स्टेज 1 से लेकर 4 तक किया, इसमें कोई चीज ऐसी एम्बिगुअस तो नहीं है जो आपको समझना आई हो? बिकॉज नाउ वी विल मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर सो फार? अच्छा, यस मैम जी। अब जो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है ना, ये उसकी भी रिफाइनमेंट है, जो हमने अभी तक सारा कुछ डिस्कस किया, ये उसको मजीद रिफाइन करने के लिए और मजीद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के लिए ये इसको जो है वो किया गया डिजाइन, और ये अच्छी लैब्स, और क्योंकि ये इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री की जहाँ पे फैसिलिटीज हों, ये सिर्फ वहीं पे हो सकता है, और वो हमारी लैब्स में अवेलेबल हैं, इन गुड लैब्स दीज आर अवेलेबल। तो फॉर स्टेज 1 और 2 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बेस्ड ऑन सर्जिकल एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग जो अभी तक हमने डिस्कस किया, अब पोल जो एबनॉर्मैलिटी है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की कन्फाइंड टू द यूट्रस और विद सर्वाइकल एक्सटेंशन रिगार्डलेस ऑफ द लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन और हिस्टोलॉजिकल टाइप इज नाउ क्लासिफाइड एज स्टेज 1A एम पोल म्यूटेशन। ये एम जो है ना वो म्यूटेशन है, ये बेसिकली जीन म्यूटेशन है। अब इसको हम आगे चल के जरा ज्यादा थोड़ा डिटेल में करते हैं, लेकिन ये वो वाली म्यूटेशन है विच हैज अ बेटर प्रोग्नोसिस। यही वजह है कि अब हमने हिस्टोलॉजिकल सब टाइप से अभी तक जितनी हमने 4 क्लासेस जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 स्टेजेस हमने जो सारी डिटेल में डिस्कस की हैं, उसमें ये सारी चीजें शामिल थी, हिस्टोलॉजिकल सब टाइप भी और जो न्यू एडिशन है वो भी, लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन भी उसके हिसाब से, और उसकी एक्सटेंशन और मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट वो सारा कुछ। लेकिन अगर स्टेज 2 वाली स्टेज में अगर ये पोल म्यूटेशन आ जाए तो सीधा सीधा ये डाउन स्टेज हो जाएगी टू स्टेज 1, यानी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम स्टेज 1A वाली करेंगे। तो स्टेज 1 इसमें ये बड़ा थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकली इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये इतना रिफाइन क्लासिफिकेशन है कि अगर हम मर्ज कर दें इसको अपनी नॉर्मल जो है इसमें जो हमारी सब क्लासिफिकेशन ये जो बाकी जो न्यू क्लासिफिकेशन है इसके साथ अगर हम ये भी कर दें कि ये वाली स्टेज ये वाली हिस्टोलॉजिकल टाइप है, ये लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन है, ये इसका ग्रेड है और ये इसकी मॉलिकुलर टाइप है, तो एग्जैक्टली वी विल बी गिविंग द टारगेटेड थेरेपी। तो इसमें मजीद उसका जो है वो रिफाइन हो जाएगा। वेयर एज अ P53 एबनॉर्मैलिटी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो विच इज कन्फाइंड टू द यूट्रस विद एनी मायोमेट्रियल इन्वेजन, यानी हो सकता है ना भी हो मायोमेट्रियल इन्वेजन, विद और विदाउट सर्वाइकल इन्वेजन एंड रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन इज नाउ क्लासिफाइड एज स्टेज 3C P53। So if low grade endometrial carcinoma is P53 abnormality, the tumor is upstage to the 2C2. ठीक है, यानी अगर स्टेज 1 सपोज हमने स्टेज 1A2 वाला ट्यूमर आइडेंटिफाई किया और उसमें कोई भी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप है लेकिन उसमें मॉलिकुलर टाइप आ गई P53, तो फिर ये स्टेज 1A2 ना रहा, ये सीधा सीधा अप स्टेज हो जाएगा टू स्टेज 2C2। तो इसलिए जो मजीद उसको जो करना है वो हमें इस मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से करना है। ठीक है, अब जो स्टेज इसमें एक और चीज कि इसमें जो हमने सिर्फ स्टेज 1 और 2 का जिक्र किया, तो इसमें ये सवाल आप कर सकते हो कि व्हाई नॉट स्टेज 3 और 4? स्टेज 3 और 4 में जो हम मॉलिक्यूलर टाइपिंग करते हैं वो हमें
ये तो हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कि इसमें हम इम्यूनोथेरेपी दें या हम हॉर्मोन्स दें या हम कीमोथेरेपी दें या हम रेडियोथेरेपी दें एंड वॉट एवर एंड या टारगेटेड थेरेपी दें, वो उसकी मॉलिकुलर टाइपिंग के हिसाब से हमें उसमें हेल्प करेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट या अप स्टेजिंग या डाउन स्टेजिंग वो वाली चीज नहीं हो, बिकॉज नाउ इट हैज क्रॉस्ड सर्टन बॉर्डर्स जिसमें उसकी उसकी एक वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेज इज मैंडेटरी। अलबत्ता जो उसके साथ जो मर्ज हमने किया हुआ मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन को, वो हमें हेल्प करेगा टू डिफाइन एंड टू डिसाइड अबाउट द पर्टिकुलर एडजुवेंट थेरेपी। सर्जरी ऑलवेज रिमेन्स द बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट इफ रिसेक्टेबल, क्योंकि इसमें बार दफा ये होता है कि पेशेंट इधर नॉट फिट फॉर सर्जरी, टू ओल्ड एंड टू मतलब उसमें वो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें फिर न्यू एडजुवेंट या फिर अल्टरनेट थेरेपीज पे हम चले जाते हैं, बट स्टिल वी नीड्स द स्पेसिफिक मॉलिकुलर मार्कर्स टू डिफाइन इट। तो इसलिए जो है वो इसको हमने इस तरह से करना है। स्टेजिंग प्रोसेस क्या होता है? जी आप कोई सवाल पूछने लगा था शायद। मैम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैम। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मोलेक्युलर क्लासिफिकेशन है फिर तो ये पूरी ही स्टेजिंग को डोमिनेट कर रही है ना, इसका मतलब है क्योंकि सिर्फ इसकी बेसिस पे। अब लेकिन ये फैसिलिटी हर जगह नहीं है, मॉलिक्यूलर जो स्टेजिंग है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट वेन एवर फीजिबल डू इट, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट को ज्यादा रिफाइन कर देगी। लेकिन जो हम हिस्टोलॉजी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल जो हम करते हैं या हमारी जो हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेंट जाता है वो तो हर लैब ही कर सकती है, हर कंट्री में कर सकती है, हर लैब कर सकती है। यही वजह है कि मॉलिक्यूलर सब स्टेजिंग वॉज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द WHO स्टेजिंग 2020, बट दे बेसिकली एडिट न्यू एंटिटीज इन द हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स, ताकि उसके हिसाब से उनके वो भी अग्रेसिव इन नेचर है जो न्यू एंटिटीज हैं, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग वॉज नॉट द मेन थिंग टू कंसिडर। लेकिन जो इसमें जो फिगो की क्लासिफिकेशन है इसको उन्होंने एज पर फैसिलिटी उसमें ऐड किया है, एज पर फैसिलिटी के वेन एवर फिजिबल डू इट, ये आपकी ट्रीटमेंट को ज्यादा जो है वो रिफाइन कर देगी। तो इस वजह से लेकिन जब ये होता है तो ये स्टेज वन और टू को ऑल्टर करेगी, स्टेज थ्री एंड फोर को फिर भी ऑल्टर नहीं करेगी, स्टेज थ्री एंड फोर विल रिमेन द सेम जो हमने अभी सारा डिस्कस किया। तो ये अगर चेंज करेगी तो स्टेज वन और टू को चेंज करेगी, ये भी चीज एक साथ याद रखें, ठीक है। तो जो स्टेजिंग प्रोसेस है वो बेसिकली सर्जिकली होता है, ये आपको सबको पता है, और उसके अलावा जो हम बाकी जो सारी स्टेजिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और वो सारी जो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। In all stages, the grade of the lesion, the histological type, and the lymphovascular space in lesion must be recorded. If available and feasible, और ये हम करते भी हैं. If available and feasible, अब stage 1A में तो अमूमन stage 1AB तक हमें जरूरत नहीं होती जो lymph node biopsy करने की, लेकिन stage 1AC में हमें say onward आगे बाकी सारी stages में हमें lymph node staging की जरूरत पड़ती है। If available and feasible, molecular classification testing, ये जो हम सारी अभी बात कर रहे हैं कि ये इसको encourage करना चाहिए for prognostic risk group stratification and as factors that might influence adjuvant and systemic treatment decisions, ठीक है। तो lymphovascular space invasion जो है वो इसमें intermediate high risk patients में, और अगर हम सिर्फ इसको stage के हिसाब से करें तो stage 1C beyond सारी stages। तो लेकिन अगर हिस्टोलॉजिकल सब टाइप ऐसी आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें शुरू से ही हम करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज एन एडिक्वेट अल्टरनेटिव टू सिस्टेमिक लिम्फेडेनेक्टमी, यानी वो आपको सेंटिनल लिम्फ नोड वो होती हैं जो सबसे पहले उस एरिया को ड्रेन करती है, तो उसकी हमें एक अगर बायोप्सी कर लें तो वो हमें बता देती है कि ये अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि बाकी उसमें लिम्फ नोड्स में भी जा, अगर वही नेगेटिव है तो इसका मतलब है नो नीड, उसमें लिम्फेडेनेक्टमी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें बेसिकली गाइड करती है कि लिम्फेडेनेक्टमी करें या ना करें, क्योंकि इससे पहले तो समझा जाता था कि लिम्फेडेनेक्टमी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, लेकिन एसोसिएटेड विद सर्जिकल मॉर्बिडिटी।
तो ये जो बायोप्सी है इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन लो इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट टू रूल आउट ऑकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. यानी अगर बेसिकली ये हमें ये इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट के हम करते हैं उस पर डिसाइड जहां पे वो मॉलिकुलर टाइपिंग के साथ ये इसको कंसिडर किया गया. तो क्राइटेरिया क्या होता है, हम कैसे कहते हैं कि ये नेगेटिव है, फोकल है, सब्सटेंशियल है. सब्सटेंशियल का लफ्ज हमने पहले भी इस्तेमाल किया. तो नेगेटिव होता है जिसमें कोई वेसल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लिम्फो वेस्कुलर स्पेस इन्वेजन है, ठीक है. तो अगर फोकल होता है जो लेस देन 5 वेसल्स यानी लिम्फ वेसल जो है वो इन्वॉल्व हों. सब्सटेंशियल है या एक्सटेंसिव है अगर मोर देन 5 वेसल्स इन्वॉल्व हों. और ये रिकरेंस का भी जो है वो हमें इंडिकेटर एक होता है. अब हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स, इसमें एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा सबसे कॉमन है, ग्लैंडुलर पैपिलरी सॉलिड, ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों में इसी तीन तरह का होता है, लेकिन सबसे कॉमन 80-90% में होता ही एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा है, जिसको हम EEC की एब्रीविएशन के साथ हम अमूमन दिखते हैं. ये आप लोगों ने देखा होगा कि EEC जो है वो एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा. बाकी जो टाइप 2 है उसमें सीरस कार्सिनोमा आ जाएगा जो 10% है, क्लियर सेल कार्सिनोमा है जो 2% में होता है. तो ज्यादातर सीरस कार्सिनोमा ही हमें कॉमनली मिलता है अमंग टाइप 2. अनडिफ्रेंशिएटेड एंड डी डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा ये भी क्लिनिकली अग्रेसिव होते हैं, और मिक्स्ड कार्सिनोमास भी, यानी कार्सिनोसार्कोमा जो है वो मिक्स्ड वाला है तो वो भी एग्रेसिव इन नेचर ही होता है. अब जो WHO की क्लासिफिकेशन में जो नई एंटिटीज शामिल की गई थी 4, दीज आर मीजोनेफ्रिक एडिनोकार्सिनोमा. ये बेसिकली इंटेस्टाइनल लाइक उन्होंने जो है वो उसमें किए थे एड, मीजोनेफ्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड मीजोनेफ्रिक लाइक एडिनोकार्सिनोमा, यानी उससे मिलते जुलते. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टाइप कार्सिनोमा और कार्सिनोसार्कोमा, ये सारे जो हैं वो बेसिकली WHO ने नए ऐड किए थे अपनी क्लासिफिकेशन में. तो मॉलिकुलर टेस्टिंग होती क्या है? मॉलिकुलर टेस्टिंग इज यूज टू चेक सर्टन चेंजेस इन अ जीन और अ क्रोमोसोम दैट मे इंक्रीज अ पर्सन्स ससेप्टेबिलिटी टू डेवलप कैंसर और अदर डिजीज. तो ये हम उस जीन को या उस क्रोमोसोम को चेक कर रहे होते हैं. अब तो जो है वो जीन थेरेपी का वैसे ही जमाना है कि जिसमें जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल दो, हेल्दी जीन उसमें डाल दो, तो वो डिजीज कंट्रोल में हेल्पफुल होता है. तो ये जो है ये उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें. अब देखो जैसे BRCA1, BRCA2, उसमें हमें पता है कि अगर जीन कैरियर ऐसा है, पेशेंट पॉजिटिव है, तो उसमें हम रिस्क रिडक्शन सर्जरी कर देते हैं, फैमिली कंप्लीट हुई, ओवरी निकाल दो. या फिर अगर कोई लिंच सिंड्रोम के साथ एक पेशेंट कैरियर है जीन का, तो हमें पता है कि इसमें 60% रिस्क है कि इसमें डेवलप हो जाएगा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, उसमें भी रिस्क रिडक्शन सर्जरी है कि उसमें फिर फैमिली कंप्लीट होने के बाद आप उसमें निकाल दें. और उसमें फिर मॉनिटरिंग भी उसी हिसाब से उस लाइन पे चल रही होती है. तो मॉलिकुलर टेस्टिंग जो है ये अब आजकल इसका जमाना है कि इसमें हम वो वाली चेंजेस को जो है वो आइडेंटिफाई करें. तो इसमें जो कंप्लीट मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन है वो हम इसमें करते हैं, और इसमें 4 सब टाइप्स हैं जो बेसिकली ज्यादातर इसमें की जाती हैं. और ये जो मॉलिकुलर सब टाइप्स हैं ये हम बायोप्सी पे करते हैं, यानी एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे, जिसमें हमें दोबारा हिस्टेक्टमी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती. यानी जो हमने एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली उसी पे ये सारा कुछ टेस्ट हो जाएगा, ताकि हम अपनी ट्रीटमेंट उस हिसाब से राइट फ्रॉम द बिगनिंग लेके चले. तो लेकिन डिपेंड करता है अगेन ऑन द फेसिलिटीज, क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि ग्रेडिंग चेंज हो जाती है. इनिशियल जो हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं उस पे ग्रेड और हिस्टेक्टमी स्पेसिमन के ग्रेड में भी फर्क पड़ जाता है, Grade 1 से Grade 2 या Grade 2 से Grade 3 में भी फर्क पड़ जाता है, ऐसा भी होता है. लेकिन जो मॉलिकुलर सब टाइपिंग है उसके लिए ये एडिक्वेट है. तो इसमें जो बेसिकली जो लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमास है उनके साथ ये वाले जो है वो जीन मॉडिफिकेशन ये एड होती है. तो इसमें जो है वो बेसिकली इस पिक्चर में पोल वाली वो चीज शामिल नहीं है, लेकिन ये MMR जिसको स्मॉल डी के साथ भी कहते हैं, MMR और उसके साथ स्मॉल लेटर में डी लिखा जाता है. PTEN का लफ्ज तो आपने बहुत दफा जो है वो पढ़ा. ये भी बेसिकली जीन रिपेयर जो है ये बेसिकली ये होते हैं,
सेल रिपेयर जीन जो है वो उसमें ये चीजें आ जाती हैं, डीएनए रिपेयर करते हैं ये। और इसी तरह से ये भी कुछ जीन्स की इनएक्टिवेशन है जो कि उसको फिर एनहेंस करती हैं। और ये जो है ये बेसिकली ये वो वाला पाथवे है जो ईस्ट्रोजन एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का पाथवे होता है। तो ये उस पाथवे को एक्टिवेट करने वाली जीन्स होती हैं। तो ये एसोसिएटेड है विद दिस लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा जो कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के साथ एसोसिएटेड है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब ये पोल वाला जो है ना ये बेसिकली ये दरमियान वाली स्टेज पे उन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन दिस इज एसोसिएटेड अगेन विद द लो ग्रेड, ठीक है। अब जो ये हाई ग्रेड वाली चीजें है ना ये हाई ग्रेड एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा, अब ये है लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा सीरस मिक्स, इसमें क्लियर सेल, ये क्लियर सेल कार्सिनोमा भी है। तो ये सारे जो हैं वो ये वही मेसोनेफ्रिक और ये सारे वो वाली चीजें आ जाती हैं इनके साथ है ये वाली सारी। और ये हर्स टू भी आपने ये अक्सर अपने उसमें पढ़ा होगा बायोप्सी रिपोर्ट्स पे, आइंदा से बायोप्सी रिपोर्ट भी देखा करो जो बहुत अच्छी जगह से होती हैं, जैसे शौकत खानम है या इस तरह की आगा खान की लैब है या इस तरह की जो बहुत अच्छे जो हैं मतलब एरिया जहाँ पे ये होता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के साथ। इवन बाकी जो प्राइवेट लेवल बेबी लैब्स बहुत ज़्यादा ये अच्छा काम कर रही हैं। तो उसमें आप कभी गौर से अगर देखो तो हर टू का जिक्र बहुत ज़्यादा आया होता है, एक ये पी टी ई एन का भी जिक्र आया होता है, एम एम आर का होता है और ये बाकी पोल और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंशन होती हैं। पी 53 का भी इसमें होता है म्यूटेशन है। ये सारी एसोसिएटेड हैं विद द हाई रिस्क एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो ये लो रिस्क एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वाली हैं जिनमें हम सिर्फ चार करते हैं, चार जो करते हैं वो एक एम एम आर होता है, ये एक पोल वाला होता है, एक ये पी 53 वाला होता है और एक उसमें इसके साथ ही जब ये भी आ जाए तो इसको भी साथ कर लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों साथ के साथ चलते हैं और इन दोनों की बहुत अग्रेसिव, सबसे ज्यादा अग्रेसिव यही दो होते हैं। और इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं जो कि इन्हीं के साथ इन्हीं को लेके जो वो चलते हैं। तो इसमें ये बेसिकली वही है कि इसमें जो है वो एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा ये वो कर रहे होते हैं, मतलब डिराइव कर रहे होते हैं एक से। अब पोल के भी या पी 53 के भी नॉर्मल एबनॉर्मल वाली सब टाइप्स हैं जिनके डिटेल में हम नहीं जाते। इसको ये जो के रस है ये भी एक वेल डिफ्रेंशिएटेड या टाइप वन वाले में आ जाता है, लेकिन अगर ये टाइप वन में पी 53 आ जाए तो ये पोअरली डिफ्रेंशिएटेड या उसमें हाई रिस्क उसमें आ जाएगा, एग्रेसिव में आ जाएगा। और पी 53 ये सीधा सीधा टाइप टू में और पोअरली डिफ्रेंशिएटेड एडिनो एंडोमेट्रॉइड भी जो है वो पोअरली डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है ग्रेड थ्री में, और ये वेल डिफ्रेंशिएटेड भी होता है। ऑल एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स आर नॉट नॉन एग्रेसिव, तो उनमें ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये पी टी ई एन ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें जो कि रिवर्सिबल होती हैं, मतलब यहाँ भी जा सकती हैं ये नीचे भी जा सकती हैं। अब जो इसमें अगर मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन के साथ ये भी हमने वैसे बात कर ली हुई है डिटेल में कि स्टेज वन ए में अगर पोल म्यूटेशन आ जाए तो ये वो है जो पोल म्यूटेशन एम, इसमें खाली एम ही वैसे लिखा जाता है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कन्फाइंड टू द यूट्राइन कॉर्पस और विद सर्वाइकल एक्सटेंशन, यानी अब स्टेज टू आ गया, रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन वेगन और हिस्टोलॉजिकल टाइप, ये वन ए में ही रहेगा, चाहे वो सर्वाइकल एक्सटेंशन में भी हो गया, चाहे उसमें लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन वेगन भी सब्सटेंशियल है, चाहे वो हिस्टोलॉजिकल टाइप एग्रेसिव टाइप भी है, लेकिन अगर पोल म्यूटेशन आ गई तो ये स्टेज वन ए में ही आएगा। तो स्टेज टू में अगर पी 53 स्टेज टू सी में ये स्टेज टू है जिसमें पी 53 अगर एबनॉर्मेलिटी है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कन्फाइंड टू द यूटराइन कॉर्पस विद एनी मायोमेट्रियल इन्वेजन विद और विदाउट सर्वाइकल इन्वेजन and regardless of the degree of lymphovascular space invasion or histological subtype. कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टेज टू वाली चीजें थी लेकिन ये स्टेज वन में आ गया क्योंकि इसमें पोल म्यूटेशन थी। ये स्टेज वन वाली सारी चीजें हैं लेकिन चूंकि इसमें पी 53
आ गया तो ये स्टेज टू सी में चला गया, सीधा सीधा अप स्टेज ए हो गया। तो ये स्टेज वन और टू की है जो कि इसमें चेंज हो गया मॉलिकुलर फाइंडिंग्स के बाद। तो गुड प्रोग्नोसिस उसी के साथ, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है एमएमआर के साथ और नॉन स्पेसिफिक मॉलिकुलर प्रोफाइल। इसमें आगे से मजीद सारी चीजें हैं जो आपने भी पहले देखी हैं कि इंटरमीडिएट ग्रुप में ये जो सारी चीजें हैं ये इंटरमीडिएट ग्रुप वाले में आ जाती हैं, ये सब इंटरमीडिएट ग्रुप में आ जाती है। तो इसके बाद जो पोर प्रोग्नोसिस है उसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखें, P53। तो ये चार हैं जिनको हम करते हैं पोल, एमएमआर, एनएसएमपी, नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जो है, और P53। ये चार की रिकमेंडेशन है कि ये आप बस कर लें तो इसमें पता चल जाएगा आपको। तो ये जो है ये हम अब एमएमआर और नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जो है ये स्टेटस डो नॉट मॉडिफाई अर्ली फीको स्टेज, यानी इससे वो नहीं होगा, सिर्फ पोल और P53 से वो स्टेज वन वाली टू में चली जाएगी या टू वाली वन में आ जाएगी। ये जो दोनों हैं ये इससे स्टेजेस चेंज नहीं होती, अर्ली स्टेज यानी वही वन और टू। जो स्टेज थ्री और फोर हैं वो सिर्फ सर्जिकल एनाटॉमिकल फाइंडिंग और हिस्टोलॉजिकल पे डिपेंड करती हैं, ये इस मॉलिकुलर टाइपिंग पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन इन स्टेज थ्री और फोर में मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन जो है वो उसमें नोट कर लेनी चाहिए कि फर्दर उसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं वो उससे डिसीजन में हेल्प मिलती है। तो अर्ली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में स्टैंडर्ड सर्जरी इज अ टोटल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सल्पिंगो ओफरेक्टमी। जो स्टेजिंग प्रोसेस है उसमें इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी आ जाता है इन स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स, नॉर्मली नहीं हम करते, सच एज सीरियस या अनडिफ्रेंशिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, ये हम अर्ली वाली की बात कर रहे हैं, एज वेल एज कार्सिनोसार्कोमा में भी ड्यू टू द हाई रिस्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक ओमेंटल मेटास्टेसिस। तो ये है अर्ली वाले में। अब जो इसमें जो बेसिकली जो इसका पूरा फ्लो चार्ट है इसमें इसकी ट्रीटमेंट को डिफाइन करने का बेस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड बेस्ड ऑन मॉलिकुलर सब टाइपिंग के हिसाब से, तो सर्जरी तो पहला स्टेप है ही है इन दोनों क्लासिफिकेशन, सर्जरी तो पहला ही है। अब अगर इसमें लो रिस्क आ गया तो इसमें सर्जरी के बाद आप ऑब्जर्व करें, यानी इसमें नॉन एग्रेसिव है, 1A 1 है या 1B 1B है, 1C नहीं है, तो इसमें वो लो रिस्क में आएगा, तो उसमें ऑब्जर्व करें। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सर्जरी एडिक्वेट कर ली है। जो हाई इंटरमीडिएट रिस्क है उसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन या प्लस माइनस कीमोथेरेपी देने की जरूरत है, हाई इंटरमीडिएट रिस्क जिसमें लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन, जिसमें हिस्टोलॉजिकल टाइप, ये सब चीजें आ जाए, एंड अगेन बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल सब टाइप एंड लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन एंड द मायोमेट्रियल इन्वेजन, कीमोथेरेपी या रेडिएशन प्लस माइनस देने की जरूरत पड़ेगी। नाउ इफ वी रिफाइन इट बाय मॉलिकुलर टाइपिंग, उसके साथ अगर हम मर्ज कर दें, तो सर्जरी तो हमने इसमें कर ली क्योंकि सर्जरी हमारा पहला स्टेप है, उसको हमने बाईपास नहीं करना अनलेस फॉर वेरी रेयर एक्सेप्शनल केसेस। तो यहाँ पे हमने सर्जरी के बाद हमने मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन को हमने कर लिया था, पहले भी कर लिया था, सर्जरी के बाद मजीद इसको कर सकते हैं। तो अगर तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं तो इसमें एंडोक्राइन ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। हेलो जी जी वेस्टर्न, हाँ जी 11:30 तो इसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो एंडोक्राइन ट्रीटमेंट दे दें। जो हाई डोज हम प्रोजेस्टेरोन दे रहे होते हैं यू नो कि उसमें क्या है, इवन जो है लेट्रोजोल वगैरह भी इसमें दिया जाता है। अगर ये वाला मॉलिकुलर मॉलिक्यूल पॉजिटिव आ गया, एक मिनट ये कर्सर से मैं दिखाती हूँ, हाँ ये वाला मॉलिकुलर पॉजिटिव आ गया, ये मॉलिकुलर सब टाइपिंग ये है, तो इसमें कीमोथेरेपी प्लस माइनस रेडिएशन थेरेपी, ये वो है जो कि फिगो क्लासिफिकेशन ने डिवाइस की हुई है, जो कि उनके हिसाब से है कि अगर आप मर्ज कर सकें तो इसको ऐसे मर्ज करके उसकी ट्रीटमेंट करें। तो इस मॉलिकुलर सब टाइपिंग के साथ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, इफ दिस मॉलिकुलर सब टाइपिंग
तो फिर इसमें एंडोक्राइन ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि इसमें सारी ये सब मॉलिक्यूलर टाइपिंग की। तो इसमें ये बेसिकली टारगेटेड सॉरी ये मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग है, ये उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, ये इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। और जो टारगेटेड थेरेपी होती है और एंडोक्राइन ट्रीटमेंट भी इसमें हम देते हैं। बाद दफा हमें इम्यूनोथेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ हमें एंडोक्राइन थेरेपी या बाद दफा कीमोथेरेपी कंबाइन करनी पड़ती है। हर टू पॉजिटिव आ गया तो उसमें कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी, ये जो है ये इम्यूनोथेरेपी का एजेंट है। फिर उसके बाद अगर P53 पॉजिटिव आ गया तो उसमें कीमोथेरेपी ही देने से काम चलेगा, ठीक है। ये सब ये भी एग्रेसिव है, हर टू और ये जो P53 म्यूटेशन हैं ये सबसे ज्यादा ये एग्रेसिव टाइप की ये होती है। अब ये जो MMR है वो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी और ये इम्यूनोथेरेपी का ही वो है और ये टारगेटेड थेरेपी है, बेसिकली टारगेटेड सेल थेरेपी। अब जो MMR और उसके साथ ये मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग है उसमें इम्यूनोथेरेपी है और अगर पोल है तो वो ऑब्जर्वेशन, यानी पोल में दोनों तरफ ऑब्जर्वेशन, इसमें लो रिस्क में आएगा और इधर अगर आ जाएगा तो उसमें ऑब्जर्व करें, यानी उसमें आपको मजीद जो ट्रीटमेंट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इज इट क्लियर सो फार, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन उसमें सिर्फ चार आपने मार्कर याद रखने हैं कि ये हों तो ये उसका नतीजा है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ये, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर द फाइन सब क्लासिफिकेशंस बाय मॉलिक्यूलर टाइपिंग। तो यही चार हैं जो मैं आपको अब एज अ लम्प सम बता रही हूँ कि इसमें जो पोल म्यूटेटेड ट्यूमर्स हैं वो 5-10% होते हैं, लो रिकरेंस रेट होता है, इम्प्रूव्ड आउटकम होता है, और एडवांस्ड स्टेजेस में भी ये इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्सिव होते हैं अगर कीमोथेरेपी फेल भी हो जाए, यानी कीमो अगर ये एडवांस्ड स्टेज में है लेकिन निकल आया पोल तो उसमें फिर इम्यूनोथेरेपी को ये रिस्पॉन्स करेंगे अगर कीमोथेरेपी फेल भी हो जाती है। ये एडवांस्ड का मतलब ये है कि इवन स्टेज 3 और 4 में उसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट वही रहेगी, लेकिन अगर हमने उसकी मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग की होगी तो उसमें हमें रिकरेंस में या अगर एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे देना है तो फिर ये हम करते हैं। MMR में ये 20-30% में होता है, उसमें 3-5% में इवन लिंच सिंड्रोम में भी ये MMR पॉजिटिव होता है। ससेप्टिबल टू इम्यूनोथेरेपी, ये सारे इम्यूनोथेरेपी के एजेंट्स हैं, काफ़ी मुश्किल नाम है, इनको प्रोनाउंसिएट करना भी मुश्किल है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी प्लस ये साइटोस्टैटिक ड्रग की टारगेटेड थेरेपी होती है। टारगेटेड थेरेपी में ये बिल्कुल नई हैं थेरेपीज जो सिर्फ सेल को टारगेट करती हैं, जो के जो मेलिग्नेंट सेल है सिर्फ उसको टारगेट करेंगी। तो इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ इनका भी अब काफ़ी रोल आता जा रहा है मेलिग्नेंसी ट्रीटमेंट में। और रिकरेंट केसेस वेयर साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट फेल्स, यानी जहाँ पे कीमोथेरेपी फेल होगी वहाँ पे ये आप दे सकते हैं। फिर नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है तो ये इंटरमीडिएट रिस्क होता है उसका, हैज पॉजिटिव इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, सो हार्मोनल और एंडोक्राइन यानी लेट्रोजोल ट्रीटमेंट इज एन ऑप्शन विद मॉडेस्ट इफेक्टिविटी, यानी इनमें ये चूंकि रिसेप्टर पॉजिटिव है इस वजह से इसमें इस एंडोक्राइन थेरेपी का रोल आ जाता है, इवन फॉर लो ग्रेड रिकरेंट और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। हॉर्मोन्स कैन बी कंबाइंड विद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, CDK का भी, अब CDK4, CDK8 ये भी वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली कुछ एंजाइम, ये एंजाइम्स हैं जिनको ये इनहिबिट करते हैं तो उससे सेल प्रोलिफरेशन खत्म हो जाती है। तो ये जो है बाकी इसमें सर्जरी, मतलब इसमें जो लो ग्रेड है वो सर्जरी के साथ हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक जो हमने यही वाली जो चीज़ इसी की हम बात कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर प्रोफाइल की, कि इसमें ज़्यादातर लो ग्रेड के होते हैं अर्ली स्टेज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो हम सर्जरी से कर लेते हैं सही, लेकिन अगर इसमें हाई एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल सब टाइप आ जाए यानी क्लियर सीरस या क्लियर सेल तो उसमें फिर जो है वो स्टेज 1C वाली ट्रीटमेंट हम लेके चलेंगे, यानी उसमें सारी एडजुवेंट थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वो सारी चीज़ें हम फिर भी उसमें रहेंगी। अब जो P53 म्यूटेशन है उसमें उसका पोर प्रोग्नोसिस है, अगर अर्ली स्टेज में हो तो ऐड कीमोथेरेपी टू रेडियोथेरेपी, यानी अर्ली स्टेज पे भी अगर फर्ज किया ये 1B भी होता तो भी हम इसको
यही करते थे, वरना 1B में हमें जरूरत नहीं है। और T50 ये P53 म्यूटेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद HERS2, ठीक है, ये होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, जो के जिसका भी वर्स प्रोग्नोसिस है। और इन केसेस में हम इम्यूनोथेरेपी को ऐड करते हैं। इम्यूनोथेरेपी होती है बेसिकली जो एंटीबॉडीज हम देते हैं, या तो ये एनहेंस करती हैं पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम, या फिर हम एंटीबॉडी बनाई दे रहे होते हैं। तो HER2 इज मेनली फाउंड इन सीरस एंड क्लियर सेल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास एंड इट इज कम्बाइंड विद कीमोथेरेपी। यही जो इम्यूनोथेरेपी है इसको हम कम्बाइन करते हैं इम्यूनोथेरेपी के साथ। PTEN ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, यानी ट्यूमर की जो एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स की है उसको सप्रेस करता है। इट कंट्रोल पाथवे ऑफ ईस्ट्रोजन डिराइव्ड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इट इज म्यूटेटेड इन 30-60% ऑफ अर्ली स्टेज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और इनमें हम कीमोथेरेपी और इम्यूनो सप्रेसर ये यूज करते हैं, जो कि है एवरेलिमस, ठीक है। तो इसके साथ हम कंबाइन करते हैं कीमोथेरेपी को भी, ये सारी वो चीजें, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रीटमेंट क्या है? फ्यूचर ट्रीटमेंट्स आर रिलायंट ऑन मेडिकल एनालिसिस। तो हो सकता है कुछ सालों के बाद अब वो वाली स्टेज आ जाए जिसमें एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई यो मॉलिकुलर सब टाइप, क्योंकि अभी तो सिर्फ हिस्टोलॉजिकल सब टाइपिंग है। तो सिंगल एजेंट, अब इसमें जो है वो सिंगल एजेंट इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज, यानी इम्यूनोथेरेपी को आपने कीमोथेरेपी के साथ मिला दिया, आपने टारगेटेड थेरेपी के साथ मिला दिया, साइटोस्टेटिक थेरेपी के साथ मिला दिया, या एंडोक्राइन थेरेपी के साथ मिला दिया। ये कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन रेजीम है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मॉलिकुलर टाइपिंग। प्राइमरी एडजुवेंट यानी पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोथेरेपी अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। यूजुअली हमने जो हम जो पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो बात करते थे उसमें हम ज्यादातर पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी पे ही रिलाई करते थे। ब्रैकीथेरेपी है, टेलीथेरेपी है, और उसके अलावा उसको उसके बाद फिर कीमोथेरेपी देते थे जो उसकी रेडियोथेरेपी का इफेक्ट बढ़ा देता था। तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में फिर इम्यूनोथेरेपी को हम कीमोथेरेपी के साथ मिला सकते हैं। और इसके अलावा और उसमें हम PARP1 मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये होते हैं PARPIs, बेसिकली PARPIs हैं, पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज इनहिबिटर, जो के इनहिबिटर ऑफ रिपेयर एंजाइम्स हैं, यानी रिपेयर एंजाइम्स को हमने इनहिबिट कर दिया। ये ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो के ब्रेका म्यूटेशंस एंड ये सारी चीजें जो आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इनको याद करने बैठ जाए। दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट योर अंडरस्टैंडिंग के इसके इस हेडिंग के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आपको इम्यूनोथेरेपी जब आपकी बात हो तो आपको पता हो कि वॉट इज मेंट बाई इम्यूनोथेरेपी। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट, यू आर बट यू मस्ट नो इट। इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रिप्रोड्यूस इसमें करेगा या एक्सटेंडेड टॉक्स में या और इस तरह से, क्योंकि देखो एक्सटेंडेड टॉक्स में जो एक क्वेश्चन जो चीज आ सकती है वो ऐसे हो सकता है कि इसी सब क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक ऐसा पेशेंट हो, एक पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है, उसमें आपने डायग्नोस्टिक डीएनसी की, उस पर ये वाली हिस्टोलॉजिकल सब टाइप आ गई, अब आप इसको ऐसे लेके कैसे चलेंगे, आप इसको स्टेज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, या उसका स्ट्रक्चर्ड वाइवा के हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस पे कि अच्छा इसमें अगर मॉलिकुलर टाइपिंग कर दें तो ये इसकी मॉलिकुलर टाइप आ जाती है, तो अब इसको हम कैसे करें। सो अगर कोई ज्यादा इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें इस तरह की चीज हो सकती है, तो एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसमें 4 मॉलिकुलर टाइप बस आपको पता होनी चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन सा है, दैट्स ऑल। लेकिन जो चीजें जो आपकी अंडर ओवर एक होता है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप उस पूरे सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, ताकि दाएं बाएं से कोई भी चीज जो होती है वो भी आपको पहले से पता हो कि इसका ये मतलब है। जो हम इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं या जो हमने अभी जो एक फ्लो चार्ट के हिसाब से सारी चीजें देखें कि ये चीज हम इसमें फलानी जीन्स में हम ये दे सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। जो चीज टेक्स्ट में आ जाती है इसका मतलब है, और वो खासतौर पर जो फिगो की क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो एक चीज टेक्स्ट में एंटर हो गई, इसका मतलब है कि पार्ट टू कैंडिडेट्स आर सपोज टू नो दैट, ठीक है। तो इसमें जो है PARPIs, ठीक है, ये बस इतना सही याद रखना जरूरी है कि ये भी
जो है वो बेसिकली इनहिबिटर ऑफ रिपेयर एंजाइम होता है, और PDEN वो है जो ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है, और उसमें जो जो है उस खास तौर पे अगर ये ब्रेका म्यूटेशंस वाले ट्यूमर्स हों या PDEN वाले ट्यूमर्स हों, तो वहां पे जो है वो ये PARPIs का रोल आ जाता है। जो रिकरेंट डिजीज है उसमें एंटी एंजियोजेनिक ट्रीटमेंट यानी जो उसकी ग्रोथ को रोकती है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को रोकती है, तो उसमें अगेन PARPIs का रोल और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्रोजोल और विद है, इसमें फिर आ जाते हैं CDK4 और CDK6 एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाले केमिकल्स जो हैं, ये बेसिकली फिर सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो बेसिक एक है एक ओवरऑल, ये भी एक आपको वो बताने के लिए, तो इसमें वही है उसके हिसाब से जो है कॉपी नंबर लो और कॉपी नंबर हाई बेसिकली इंटरमीडिएट वाले आ जाते हैं। कॉपी नंबर हाई जो है ये भी आपको बड़ी जगह पे जिक्र मिलेगा, इवन फिगो क्लासिफिकेशन में भी जिक्र मिलेगा, ये अग्रेसिव टाइप में शुमार होते हैं, यानी जहाँ पे P53 वाली चीज है ये तकरीबन उसके साइनोनिमस समझे जाते हैं, जबकि ये जो है ये दूसरे नॉन स्पेसिफिक और MMR वाली उसमें समझे जाएंगे और ये पॉल वाली है। तो इसमें इसमें भी बेसिकली वही बताया हुआ है कि इसमें अगर मेटास्टेटिक रिकरेंट हो जाए तो इम्यूनोथेरेपी दे दें, अगर ये P53 या HARS2 वाले चीजें आ जाए तो फिर इसमें इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, PARPIs वाली चीजें आ जाती हैं, ये सब चीजें हैं। और बाकी जो ये है कॉपी नंबर लो इंटरमीडिएट वाला आ जाता है, इसमें भी इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, CDK4 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही आपको जस्ट बाय द वे बताने के लिए। एडजुवेंट थेरेपी वो होती है जो कि हम पोस्ट ऑपरेटिव लेते हैं, और न्यू एडजुवेंट थेरेपी वो होती है जो कि हम प्री ऑपरेटिवली देते हैं। और टाइप्स ऑफ एडजुवेंट थेरेपी जो हम पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं उसमें रेडियोथेरेपी है, किम्योथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, यूज ऑफ हॉर्मोन्स हैं, और उसके अलावा वो बहुत सारी वो चीज़ें जो कि अभी हमने मेंशन की, जिसमें PARPIs भी हैं, जिसमें CDK4 CDK6 इनहिबिटर्स भी हैं, जिसमें जो है ये सारे जो टारगेटेड थेरेपी से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये होता है कि हम जो करते हैं ये जो कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमोथेरेपी तो हेल्दी सेल्स और कैंसर सेल दोनों को ख़त्म कर देती है, लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी है ये इन अ वे कि वो बॉडी का इम्यून सिस्टम एनहेंस करती है, क्योंकि देखो जो कैंसर रिलेटेड एंटीजेंस है वो होते हैं हमेशा, कैंसर रिलेटेड एंटीजन जो हैं दैट कैन इनिशिएट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन द बॉडी, सो मैनी अ टाइम्स इनिशियल स्टेजेस पे जिनका बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम होता है वो उनमें अर्ली स्टेजेस पे बाज दफ़ा कैंसर रिजॉल्व हो भी जाता है, और वो एबनॉर्मल सेल जो ग्रोथ है उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जीन जो DNA रिपेयर जीन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी DNA में हमारे उसमें जीन्स में ऑलरेडी इनकलकेट हुई हुई हैं, तो ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकता है। बट व्हेन इट गोज रॉन्ग, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स जब हम देते हैं तो उसमें ये आउटग्रो कर जाता है बाद दफा, या और कोई अगर कोई जीन डिफेक्ट हो तो उसमें आउटग्रो कर जाएगा। तो इम्यूनोथेरेपी का मकसद ये होता है कि या तो बनी बनाई जीन उसमें एंटीबॉडीज डाल दो, या बॉडी का अपना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो जो उसमें उसके टी सेल्स हैं उनको एनहेंस कर दो ताकि वो खुद एंटीबॉडीज बनाएं और ट्यूमर रिलेटेड एंटीजेंस टारगेटेड सेल जो हैं वो उनको ख़त्म करें। तो ये सिर्फ इसका बहुत फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ ट्यूमर सेल्स को जो है वो रोकता है। तो इसमें ये बेसिकली कि इम्यूनोथेरेपी के ही डिफरेंट है, वैक्सीन्स की सूरत में होता है, इम्यूनोथेरेपी के वायरसेस बाद दफ़ा होते हैं, और इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स होते हैं, इम्यून थेरेपीज होती हैं, फिर सेल ट्रांसफ़र होते हैं जो हम कर सकते हैं, या साइटोकाइन थेरेपीज होते हैं, साइटोकाइन वही जो CDK4 और CDK6 को टारगेट करते हैं। तो ये तो था जो सिर्फ इम्यून उस क्लासिफिकेशन से हट के जो चीज़ें जो कि कुछ चीज़ें बाद दफ़ा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती, तो ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। तो इसमें
अब अगर कोई आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो इसमें हम ले सकते हैं एक दो सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एग्जाम में हमें ये इसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें मॉलिक्यूलर सब टाइप हो सकता है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट जो है वो बेसिकली इसमें आ सकती है। इसमें ये स्लाइड शेयरिंग को खत्म करते हैं, तो इसमें इसी तरह से होगा जैसे मैं अभी बता रही थी कि जैसे पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ गई, उसकी आपने डायग्नोस्टिक डीएनसी की और फिर उसके बाद रिपोर्ट में ये आ गया। तो मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग प्रोबेबली अभी शायद ना हो, वो जब आप एडवांस्ड नॉलेज जो रिसेंट नॉलेज से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें देखो जो ये चीज़ें वो हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग अगरचे हो रही है दुनिया में और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी हो रही है, ये ऐड हो भी सकती है और ऐड नहीं भी हो सकती, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए मेजर जो 4 सब टाइप्स हैं उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसमें ये अगर है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इसका ये नुकसान होगा, ठीक है, और अगर ये नहीं है तो इसमें हमने कैसे उसको ट्रीटमेंट करनी। मैम जैसे हम किसी पेशेंट की पाइपल बायोप्सी करेंगे तो एग्जामिनर को हम ये भी बताएंगे कि इंक्लूडिंग टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी वी विल आल्सो डू मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग। नहीं, मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग आप खुद से ना करें, आप इसको खुद से ना इसमें ऐड करें, क्योंकि देखो वो फिर वाइवा आपका उस टाइप पे चल जाएगा और फिर उसमें जो चीज जो होती है ना उसमें आपसे जो सवाल किया जाए, आप अपनी जान बचाने के लिए ये चीज एक ट्रिक होता है कि आप एक नया वो एरिया ना खोलें, एक ऐसा एरिया जो आपसे पूछा नहीं गया वो आप क्यों खोलें। तो मैम इसमें हमसे वाइवे में क्या पूछा जा सकता है, ये न्यू मैडम न्यू क्लासिफिकेशन में हमसे क्या पूछा जा सकता है? न्यू क्लासिफिकेशन में हो सकता है आपको हिस्टोलॉजिकल सब टाइप के, देखो इसमें बार दफा ऐसा भी होता है कि आपको बता दिया जाता है इसकी हिस्टोलॉजी पे ये वाली चीज आ गई, जो अभी हिस्टोलॉजी पे ये चीज आ गई है आपने उसको स्टेज करना है, क्योंकि द ट्रीटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट एंड द हिस्टोलॉजिकल सब टाइप लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इनवेजन एंड मायोमेट्रियल इनवेजन, उसके बेसिकली ये स्टेजेस का स्टेज का हिस्सा होते हैं। तो स्टेज को आपने डिफाइन करना है, तो स्टेज को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको सिर्फ अगर डायग्नोस्टिक डीएनसी है तो उसमें अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, डेफिनेटली उस पर अगर आ गया है आपने उसको स्टेज करना है, पहले तो आप एमआरआई करवाओगे, एमआरआई पे आपको मोर देन 50% या लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट पता चल गई। अब उसमें मोर देन 50% इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें वो आ जाएगा 1B में, ठीक है, 1C में तो एग्रेसिव टाइप होगा। हेलो वेस्टम, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा तो कहाँ थे हम, हाँ उसमें ये है कि फिर आपने एमआरआई कर लिया, उसके बाद आप इसमें है ही सर्जिकल स्टेजिंग, तो सर्जिकल स्टेजिंग में आपने सर्जरी करनी ही करनी है एंड द रेस्ट विल डिपेंड अपॉन द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के बाद जो बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी का स्पेसिमन है, 1 ओवरी इन्वॉल्व, 2 ओवरी इन्वॉल्व, लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इनवेजन, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, मेनी थिंग्स विल डिसाइड द स्टेज ऑफ द डिजीज, और हिस्टोलॉजिकल सब टाइप भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसके हिसाब से फिर आपका जो बाकी वाइवा जो है वो उसके हिसाब से चलेगा, स्टेज के हिसाब से। अब उसमें चूंकि स्टेजिंग में जो है वो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप इज द मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर, और उसमें जो बाकी हमने डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से अभी देखा है कि उसमें जो उनके साइज ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस हैं, जो उसमें उसकी एक्सटेंट जो है पेल्विक या पेराइटल पेल्विक या एब्डोमिनल पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट है या स्ट्रोमा इन्वॉल्वमेंट है या फिर उसमें जो लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इनवेजन इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें हैं जिसपे बेस करेगा। तो ये है जिसपे आपने स्टेज डिसाइड करनी है एंड ग्रेडिंग ऑफ द डिजीज एज वेल, क्योंकि अगर ग्रेड 3 की है तो फिर वो सीधा सीधा हाई रिस्क ग्रुप में एंटर हो जाएगा।
तो उसकी स्टे उसकी फिर ट्रीटमेंट, लेकिन सर्जरी तो आपने करनी ही करनी है. एंड द सर्जरी विल, उसकी जो एक्सटेंट ऑफ सर्जरी विल डिपेंड अपॉन माई मेटेरियल इन्वॉल्वमेंट, और अगर उसमें कोई लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाते हैं ऑन एमआरआई इनिशियली, क्योंकि ज्यादा तो जो बेहतर आपने वो करना है वो तो सर्जरी के बाद ही करना है, और हिस्टोपैथोलॉजी और उसमें बाकी इमेजिंग स्टडीज पे. लेकिन अगर फर्ज किया ये हिस्टोलॉजिकल सब टाइप उसकी सीरियस आ जाती है, तो फिर आप उसमें सेंट्रल लिम्फ नोड, उसमें जो इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी है, ये सब चीजें इसमें शामिल करोगे. उसमें फिर जो पेरिटोनियल बायोप्सी है वो भी आप इसमें लोगे. ये सब चीजें फिर सर्जरी का हिस्सा बन जाएंगी. बट इफ इट इज ऑफ एंडोमेट्रॉइड टाइप या लो रिस्क है और लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम और लेस देन 50% ऑफ एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, तो उसमें फिर ओमेंटेक्टमी की जरूरत नहीं है, उसमें सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी की जरूरत नहीं है. सो दीज थिंग्स विल बी बेस्ड ऑन योर इनिशियल हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस एज ऑन बायोप्सी एंड जो आपने एमआरआई करवाया होगा उस पे डेप्थ ऑफ मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट. तो ये आपने सर्जिकल एक्सटेंट उस पे है. फिर सर्जरी करने के बाद जो ये सारे जो आपने सैंपल्स लिए होंगे वो क्या पॉजिटिव, उनके ग्रेडिंग क्या, ये सब चीजें उस पे फिर आपकी बेस करेगी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और स्टेजिंग. तो स्टेज तो आपने तभी डिसाइड करनी है. अब इसमें एग्जामिनर आपको ये बता सकता है कि ओके इसका जो दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हैं या जो पेल्विक पेरिटोनियम है वो इन्वॉल्व है, या जो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी थी वो पॉजिटिव है, या वाइस वर्सा इसको नेगेटिव भी कर सकता है. तो फिर यू शुड बी एबल टू स्टेज इट, यानी स्टेज को जुबानी याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तब ही यू विल बी एबल टू स्टेज द डिजीज अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन बाय योर एग्जामिनर. या अगर वो सीधा सीधा ये देखो, इसमें हमने बड़ी दफा ये डिस्कस किया हुआ है कि इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि आपको स्टेप टू स्टेप वो फाइंडिंग्स बताते जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ही ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, यानी जो पहला आपका बेसिक क्वेश्चन है उसी में ये सारी इन्फॉर्मेशन शामिल हो कि पेशेंट की सर्जरी हुई, फिर उसमें ये पॉजिटिव था, उसमें ये चीजें थी, तो इसकी क्या स्टेज है और इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करें. ठीक है मैम, जो लिम्फोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, जो ऐसे केसेस होते हैं फिर उसमें रिकरेंस का भी बाद में जिक्र आ जाता होता है कि पेशेंट आगे या इतने महीनों के बाद या इतने वीक्स के बाद, तो अब इसको आप क्या करें. ठीक है, तो इसको आपने ऐसे लेके चलना. मैम जो लिम्फोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट है और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, तो ये दोनों हिस्टोलॉजी पे हम अलग अलग से मांगेंगे. लिम्फोवास्कुलर मींस जो वेसल्स के साथ जाहिर है, हाँ जो लिम्फोवास्कुलर वही होती है लिम्फ, क्योंकि जाहिर है लिम्फ नोड के साथ ही जो वेसल्स, लिम्फ नोड अगर पॉजिटिव है तो लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन वेगिनम उसको पॉजिटिवली कर देते हैं. तो बेसिकली ये, हाँ ये क्योंकि लिम्फ के तो अपने वेसल्स होती है ना, तो जाहिर है उसमें फिर कितनी वेसल्स इन्वॉल्व हैं, जो अभी हमने देखा है कि कितनी वेसल्स इन्वॉल्व हों तो सिग्निफिकेंट होगा. और वो और दूसरी चीज ये कि इसमें कोई कभी कहीं पे अगर आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स आते हैं तो वो लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन वेगिन नहीं होता, लेकिन उसमें बेहतर होता है कि अगर हम सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कर लें. ठीक है, तो ये बहरहाल जरा नई क्लासिफिकेशन को जरा बार बार पढ़ने की जरूरत है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को जरा आसान अल्फाज में ये समझा सकूं, तो लेकिन ये है कि फिर भी स्टिल यू विल नीड टू रिपीट इट, यानी इसको पीडीएफ मिल जाए, पीपीटी मिल जाएगी जी, पीपीटी मिल जाएगी. ये पता नहीं, ये आप इमरान साहब से पूछिए. ठीक है मैम, सही, थैंक यू मैम. और सर्जरी को मैम, जब हम इसकी सर्जरी करेंगे तो इसको सर्जिकल स्टेजिंग बोलेंगे. ये होती ही सर्जिकल स्टेजिंग है, सिर्फ जो सर्विक्स की है वो क्लिनिकल स्टेजिंग होती है, लेकिन बाकी सारी स्टेजिंग ओवेरियन है, एंडोमेट्रियल है, वो सर्जिकल स्टेजिंग होती है कंबाइंड विद अदर थिंग्स. यानी जैसे आपने वो हिस्टोपैथोलॉजी है, तो जो है हिस्टोपैथोलॉजी के साथ जब आप इसको कंबाइन करते हो तो देन एग्जैक्टली यू विल रीच एट अ पर्टिकुलर स्टेज. उसमें क्या ग्रेड है, उसमें हिस्टोपैथोलॉजी की टाइप क्या है, उसमें ये सारी चीजें जब आप करते हो और सर्जिकल उसमें, क्योंकि देखो सर्जरी में आप स्पेसिमन निकालते हैं तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं ना. ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी के साथ कंबाइन सर्जरी,
तो ये उसकी मैम अगर ये लेस देन 50% मायोमेट्रियम है इन्वॉल्वमेंट और हमने इसकी सर्जरी कर दी है, हिस्टेरेक्टमी कर दी है, उसके बाद मैडम हिस्टोपैथोलॉजी पे P53 आता है तो फिर मैडम उसको दोबारा रीओपन करेंगे? P53 हिस्टोपैथोलॉजी पे नहीं आएगा, वो मॉलिक्यूलर टाइपिंग होती है, वो एक अलग से टेस्ट होता है। हिस्टोपैथोलॉजी पे ये आएगा ये सीरस सेल है, क्लियर सेल है, ये एंडोमेट्रॉइड है या किस टाइप का ट्यूमर है, ये हिस्टोपैथोलॉजी पे आएगा, इट्स नॉट मॉलिक्यूलर टाइपिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर टाइपिंग का अलग से टेस्ट होते हैं। तो मैडम मॉलिक्यूलर टाइपिंग का हम प्री सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे या वो सर्जरी के बाद अगर मॉलिक्यूलर टाइपिंग उसकी P53 पहले कर सकते हैं, क्योंकि आपने सैंपल जो लिया है एंडोमेट्रियम का आप उस पे भी मॉलिक्यूलर टाइपिंग कर सकते हैं। मैम हिस्टोपैथोलॉजी की से जरूरत नहीं होगी। मैम हिस्टोपैथोलॉजी के दौरान भी तो जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो मॉलिक्यूलर टाइपिंग करते हैं बायोप्सी के सैंपल पर? हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि कई जगहों पे ये एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रूटीन की वो हो रहा होता है, लेकिन हम इसको कभी बॉदर नहीं कर रहे होते, हम इसको ऐसे ही गुजार देते हैं। ऐसा ही है ना कि हम इसकी मॉलिक्यूलर टाइपिंग पे गौर नहीं कर रहे होते कि ये HER2 जो है ये इसका क्या मतलब है, हमने कभी इसकी उस तरह सिग्निफिकेंस पे गौर ही नहीं किया। या PTEN है या MMR है या P53 है, ये क्या चीजें हैं, हम इस भी उसकी से, लेकिन अब इसको कभी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ो, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स पढ़ो, तो उस पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका ये मतलब है। अब देखो एक ही तरह के पेशेंट्स होते हैं, कुछ हैं जिनकी ट्रीटमेंट कामयाब हो जाती है, कुछ हैं जो जिनके रिकरेंस और मेटास्टेसिस जो है वो फिर भी हो जाती है, बावजूद इसके कि आपने अपने हिसाब से उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट दी हुई होती है। ठीक है मैडम। हाँ जी मैडम, नेक्स्ट टाइम सी सर्विक्स रखे मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, आज मेरी प्रेजेंटेशन थी वो नहीं हुई आज। अच्छा आपकी इसके हिसाब से थी जी जी, लेकिन मैडम आपने अच्छा किया प्रेजेंट किया, क्योंकि मैडम ये इतना आपने बहुत अच्छा समझा दिया। नहीं, वो मुझे भी लग रहा था कि इसको जुबानी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें इसमें जो है वो एग्जैक्टली जो उसमें स्टेज है उसकी क्या वजह है, कहाँ पे चेंजेस हैं और वो चेंजेस क्यों है, ये एक बेसिक चीज थी, अब आप पढ़ोगे तो शायद आपको आसानी से समझ आ जाए। मैम सी सर्विक्स रखें मैं प्रेजेंट करूं, ये बाकी सब का भी इस पे वो होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब जो अगर डिसाइड करते हैं कि सी ए सर्विक्स होना चाहिए तो हम कर लेंगे। ठीक है, चले जी, अब आज की क्लास हम फिर बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम।